से खाना शाना खाते हैं जमजम से जनाब, चावल है, कीमा है, कोफ्ते हैं। तो जनाब ये आपके भाई की सैडी आ गई है। अब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। बड़ी यार स्पीड के साथ साफ करते हैं ये लोग, आप चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का जनाब। अब आज आपके भाई की मक्का में पहली सहरी है, तो भी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मक्का में क्या माहौल है और सहरी में क्या क्या मिलता है और किस तरह का सीन है यहाँ पे, दुनिया कितनी के बाहर है इस टाइम। क्योंकि जब मैं निकला हूँ बड़ी वाम मैंने देखी है, लेकिन अब देखते हैं कि आज सुबह सहरी के टाइम हो रहा है 2:30। जनाब जिस होटल में रह रहा हूँ वो जनाब है फ्लैट टाइप है, आप देखे रूम है सामने और ये छोटा सा कॉरिडोर सा है और लिफ्टें लगी हुई हैं। तो मेरा है 5वां फ्लोर, कौन सी पहली आई है। वैसे लोग एहराम बांध के निकले हुए हैं, यहाँ से खाना शाना खाते हैं जमजम से जनाब, चावल है, कीमा है, कोफ्ते हैं, बीफ है, मिक्स सब्जी है और ये जनाब चावल है। क्या देखे माशाल्लाह सारे हाजी जो हैं वो सैरी कर रहे हैं। रोजा रखे, हाँ तो भी यार रोजा रखना है मैंने, पहले मैं बिल करवा लूँ और खाना शाने में काफी कुछ है। तो मैं ना चिकन का सालन और साथ नान रोटियाँ करवा लेता हूँ। साथ कितनी रोटियाँ? दो रोटियाँ, दो रोटी। चलो कर दो, शबा कर है ना? शबाकर है बस, ठीक है। एक चिकन की प्लेट कर दो और साथ एक दही कर दो और एक पानी कर दो। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान होटल में माशाल्लाह कितना रश लगा हुआ है। और आज आपके भाई की भी पहली सहरी है मक्का के अंदर। सीन ये था, शुक्र है, सीन ये था कि मैं सोया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि यार कितने बजे, मैं अलार्म ही लगाया है, वो अल्लाह की तरफ से मुझे आँख खुली है एकदम। पहले मैं उठाऊँ तकरीबन 1:30 बजे और फिर मैं सो गया, फिर 2:30 बजे एकदम आँख खुली, वो भाई रोज़ा रहता है, तो फिर उठाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो भी दुआ मांगते हैं, जो भी आपका इरादा होता है दिल में पूरा हो जाता है। तो जनाब ये आपके भाई की सैरी आ गई है, दही है, चिकन का सालन है, रोटियाँ हैं, पानी है। तो अभी जल्दी से बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। आप जनाब ये फजर की रौनक चेक करें कि फजर की माशाल्लाह कितनी रौनक है और दुनिया 24 घंटे तो ऑफ होता है अल्लाह ताला के खाना काबा के इर्द गिर्द। दुनिया देखे आप, यार जब आप काबे को देखना शुरू करते हो ना, फिर आपका दिल ही नहीं करता कि इससे आंखें हटाई जाएं। करीब जाके भी इसका उतना ही सुकून है और दूर से भी उतना ही सुकून है, मतलब कि आपको जितनी बार भी आप देखोगे आपको एक नई फीलिंग्स के साथ सुकून है। मैं बिल्कुल पास था तो वो सुकून, अब दूर वो सुकून, दोनों मुख्तलिफ हैं और दोनों में उतनी कशिश है जितनी बंदा पहली दफ़ा देखता है और बार बार देखता है। बड़ी यार स्पीड के साथ साफ करते हैं ये लोग, आप चेक करें।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी काबे तक पहुंचने की। इतना रश था रमज़ान में, मुझे पता है कि मैं कैसे काबा तक पहुंचा हूं। और इतनी दुनिया और इतना सुकून मिलता है जब आप काबे की चादर को, काबे की दीवार को टच करते हैं। आपके अंदर एक अजीब किस्म की जो है ना वो एक फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर से। ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना वो कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है। मुझे ऐसी जगह मिलेगी कि जो बिल्कुल मैं काबे के साथ लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ गया।